हेलो एवरीवन वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीण हेयर एंड टूडेज एम सी फॉर बायोलॉजी इज ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोथ ए एंड बी और मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन स्टूडेंट एक तो चाइल्ड बर्थ और दूसरा मिल्क की स्क्रीशन से दोनों से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेना देना है क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस में काम करता है किस तरह से आइए समझते हैं स्टूडेंट्स

कौन उसको सिंथेसाइज करता है तब आपने वहां पे आंसर हाइपोथैलेमस करना है एज गिवन इन एनसीआर तो अब ऑक्सीटोसिन ये तो पता चल गया कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है कहाँ से रिलीज हो रहा है अब इसका काम क्या है ये एक्ट करता है मसल्स पे ठीक है ये मसल्स पे एक्ट करता है और मसल की क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है स्टूडेंट ये भी एनसीआर में दिया हुआ है कि कौन सी तरह की मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है कि ये जो है स्मूथ मसल्स पे ही काम करता है नॉट ऑन स्केलेटल मसल नॉट ऑन कार्डिक मसल जिन्हें हम स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स भी कहते हैं लेकिन कौन से बॉडी के पार्ट की स्मूथ मसल से जहां पे एक्ट करेगा तो एक तो ये करता है जब चाइल्ड बर्थ होता है स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ तो चाइल्ड बर्थ में पैल्विक रीजन फीमेल के पैल्विक रीजन जहां से बर्थ होगा चाइल्ड का वहां की स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा और हाई कॉन्ट्रेक्शन करेगा कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेबी को बाहर पुश होने में मदद मिलती है सेकेंड थिंग जब जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर करवाती है जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के बाद तो उस समय पे जब जो है मेमोरी ग्लैंड में ठीक है ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है जहां पे मिल्क बन रहा है उसकी उन ग्लैंड की जो वॉल्स होती है वहां पे जो स्मूथ मसल्स हैं उनको भी कॉन्टेक्ट करेगा ताकि जो उस ग्लैंड से उस पाथ से मिल्क जो है बाहर इजेक्ट हो सके यानी कि एक तो ये बर्थ में भी हेल्प कर रहा है दूसरा मिल्क को बाहर इजेक्ट करने में भी हेल्प कर रहा है इसलिए इसको मिल्क हॉर्मोन मिल्क इजेक्टिंग हॉर्मोन और बर्थ हॉर्मोन दोनों कहते हैं ए बी बोथ हो जाएगा इसका आंसर कॉमनली बर्थ हॉर्मोन इसे बहुत कॉमनली इसका जो ये क्वेश्चन है ये पूछा जाता है सेकंड थिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन अगर आपसे पूछा जाए मिल्क को प्रोड्यूस सिंथेसाइज कौन करता है तो प्रोलैक्टिन करता है है ये मिल्क को बनाता है, लेकिन वहां से पाप से बाहर को इजेक्ट कौन करता है? तो करता है है तो तो ऑक्सीटोसिन दोनों चीजों को कोरिलेट करके आपने पढ़ना है मैंने एक स्पेशल वीडियो बूस्टर सीरीज पे ऑक्सीटोसिन की वर्किंग और प्रोलैक्टिन किस तरह से काम करता है कैसे हमारा जो सिस्टम है एक्टिवेट होता है कब क्या होता है कैसे स्टिमुलस जाता है ये मैंने डिस्कस किया छोटा सा वीडियो पांच से छह मिनट का वीडियो होगा आप उसे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से और भी एमसी क्योंकि वहां पे मैंने एम क्यू सिर्फ प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन पे ही करवाए हुए हैं तो आपको और अच्छे से नॉलेज उसकी हो जाएगी मिलते हैं हम नेक्स्ट नाइस टाइम